तो सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं जी, और यहाँ से आप सीधा चल रहे हैं स्टेशन। कुछ देर पहले आपको लिफ्ट में नजर आए होंगे, फिर हम लोग लिफ्ट में ही आ गए हैं। लड्डू गया हुआ था ट्यूशन, हमें देख करके सरप्राइज हो गया कि ये लोग कैसे हैं यहाँ पर। तो हमने जी बहुत सारी ट्रेनों में ट्राई किया कि कहीं पर टिकट मिल जाए, और एक पल के लिए तो सोचे कि चलो पटना ही चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली से पटना की ट्रेन में जो है कई सारी अच्छी ट्रेन में जो है सीट अवेलेबल था वहां पर। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग पटना पहुंचेंगे और पटना से फिर आगे भी रास्ता है, लगभग 6 घंटे का ट्रेन का सफर होता है। कुछ कुछ ऐसी ट्रेन है जिसमें जो है थोड़ा गैप भी कम आ रहा है कि जब हम लोग पटना पहुंचेंगे और जब पटना से निकलेंगे उसके बीच थोड़ा कम गैप मिल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी ठंड का मौसम है, फॉग है, और ट्रेन जो है लेट चल रही है, तो ऐसा भी नहीं ले सकते हैं। और बात क्या है जी, सामान अच्छा खासा है और साथ में एक बच्चा है, तो बच्चे को लेकर के और सामान को इधर उधर करना, दो ट्रेन चेंज करना, तो थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा मेहनत लग जाएगा उस समय और सही नहीं रहेगा। इसलिए जी सोचे कि चलो थोड़ी सी परेशानी ही उठा लेते हैं, जिस भी ट्रेन में टिकट मिलता है ले लेते हैं। तो हम सफर एक्सप्रेस है, उसमें हम लोगों को टिकट मिल गया है, तत्काल में अवेलेबल था। और हम सफर एक्सप्रेस का हम लोग जानते हैं बहुत लेट चलती है ट्रेन, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, जाना है ही तो निकलना ही होगा। तो फाइनली चलिए टिकट उसमें मिल गया है और अब हम लोग जो है कटिहार की तरफ निकलेंगे। और लड्डू क्या देख रहा है, वाह हाई कर रहा है। अभी बाइक कहने का समय हो गया है, कुछ ही देर में बाइक कहेंगे लड्डू को और सभी को और हम लोग निकलेंगे। तो हमारा सारा सामान भी यहाँ पर देख सकते हैं पैक हो चुका है, और अब क्रियांश को तैयार करना है तो जल्दी से तैयार कर लिया जाए और हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद जो है तैयारी करना है निकलने का। ठीक है, हो चुका है निकलने जा रहा है क्रियांश। तो यहाँ क्रियांश को जो है कपड़ा पहनाया जा रहा है जो कि यह बिल्कुल नहीं पहनना चाहता है ना, बिल्कुल नहीं। और यह मेरे तरफ देख रहा है कि पापा बता लेंगे हमको कि कपड़ा नहीं पहनना है। तो हम लोग जो निकलने की कर रहे थे तैयारी, और इसी बीच में क्रियांश आ गया इधर और देख सकते हैं सारा काम फैला रहा है, सारा काम फैला दिया कि ये मेरे जाने के बाद अच्छा काम बैठ के याद करो। और गुना ये छपलता था जी का मुँह मिलेगा उसको। चलो नीचे चलो। तो हम लोग हैं जी अभी लिफ्ट में, क्रियांश को अपना एक कॉर्नर मिल गया है वॉकर के साथ, बड़ा मस्त है एकदम। और कैब जो है बस नीचे आ रही है, क्या क्रियांश इतना खुश हो रहा है, उसको लग रहा है घूमने जा रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है किसकी दादी रो रही है। जब ये बड़ा होगा और कुछ देर बाद मालूम चलेगा, जैसे ट्रेन पर चढ़ेगा ये तो रोएगा बहुत तेजी अभी। ओए क्रियांश, सोच रहा है दादी के साथ घूमने जा रहे हैं, दादी भी साड़ी पहनी हुई है, दादी के साथ घूमने जा रहे हैं, चलते हैं नीचे चलो। A few moments later. तो हमारी गाड़ी आ गई है जी, तो जल्दी से सारे सामान को जो है गाड़ी में रखते हैं। सामान भी अच्छा खासा है, जाने वाले तो सिर्फ दो हैं। ले लो क्रियांश, ले लो, गिर जाएगा ये। तो सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं जी, और यहाँ से अब सीधा चल रहे हैं स्टेशन, और इसको लॉक कर देते हैं वरना यह इसको खोलने की कोशिश करेगा। और सामान जो है हमारा देख सकते हैं पीछे अच्छा खासा भरा हुआ है। यहाँ से मुश्किल से कितना लगना चाहिए, 50 मिनट। चलिए, जाम रहता है क्या इस रूट में? नहीं, इस टाइम खाली होगा, इस टाइम खाली होगा। चलिए, बट अब ट्रेन हो से 4:30 बजे टाइम है हाथ में, काफी टाइम। तो हम लोग जी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरे वहाँ पर, तो अपना पता कर देंगे कि ट्रेन जो है कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। और जैसे ही वहाँ पर गए तो मालूम क्या चला कि ट्रेन जो है 8 घंटे लेट है। भाई साहब 8 घंटे लेट। तब उसके बाद सोचे कि क्या इतना देर बैठा जाए स्टेशन पर, तो हम लोग जा रहे हैं वापस नैन्सी दीदी के यहाँ। और जब वहाँ जाएंगे तो देखा जाएगा कि कोई दूसरा ट्रेन ले लिया जाए या इसी ट्रेन से चला जाए, क्योंकि इस ट्रेन का जो रवैया है थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बताया था आपको वीडियो में। और देखेंगे जी जैसा सही लगेगा। कुछ देर पहले आपको लिफ्ट में नजर आए होंगे, फिर हम लोग लिफ्ट में ही आ गए हैं। तो यही हो रहा है अप डाउन। अभी मेरे बाबू को जाना नहीं है यहाँ से, है ना बेटू? वही क्रियांश, हाय ते ते ते, हाय ते ते ते। तो मम्मी बहुत रो रही थी। चलो 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 मैया,
चल गेल तो लाटी छ पटना त इ त बहुत बड़ बात देख रहा जैसे तक जन एक आज लाज छोड़ा दे कते दिन बाद त रात टुक टुक मुझे सोते हो समझे फिर आया उठ के नै मम्मी है ना कैसे देख रहल छ ना कते बिछड़ गेल दादी से कते चल गेल लगे दादी की होगी फिर से आ गया दादी के पास वापस क्रियांश तुम्हारी दादी ये देखि मुंह देखि ये देखि ये देखि मुंह देखि ओ तो 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 फूक देखै छ हां कते गेल रे ओ सब टल्ला के चल जाय छ ना ससुरा कहां गए थे हमर तू हमले बुआ छ ना ये ये ऐसे देख रहा था कितने दीदी ना फोन कर के हम आदमी सोनू आर दे रहे जी आर त लागे ने मन हम एक औरती ओकरा पर ध्यान नहीं छ हमरा छोड़ा चल लो के लागे छ हमरा घर में कोनो काम नहीं छ छोड़ा जेबो करे त यो काम नहीं छ चुपचाप बैठल छी तखन छ छोटा लाके चल जाय छ चिल्का के हम कहले हरदम हम परेशान रहे छी मुश्किल देखि लड्डू जैसे ही अंदर आया लड्डू गया हुआ था ट्यूशन हमें देख करके सरप्राइज हो गया कि ये लोग कैसे हैं यहाँ पर मामा आप कहे कि लड्डू की हमको याद आ रही है तो लड्डू की याद आ रही थी आ गए वाह आ गए तुम्हारे भैया आ गया The next day. तो कल जी जाना है नहीं जाना है इस बीच का जो असमंजस हुआ है तो वह असमंजस जो है फैमिली अब उसको जो है खत्म कर दिए हैं क्योंकि अब जो है हम लोग रुक रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब भी जाएंगे तो प्रॉपर सीट पर जाएंगे ताकि क्रियांश को दिक्कत नहीं हो और जिस ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे कि वह 8.5 घंटे लेट है अभी उसका रनिंग स्टेटस चेक किया 8.5 घंटा तो लेट है ही ट्रेन लेकिन साथ में 1.5 घंटा 2 घंटा जो है और एडिशनल लेट चल रही है वह और कटिहार पहुंचते पहुंचते लगता है कि शायद यह 1.5-2 घंटा का जो आंकड़ा है शायद 4 घंटे 5 घंटे तक पहुंच जाए तो अच्छा खासा दिक्कत हो जाता तो हमने फैसला लिया कि नहीं जाते हैं और यहीं पर रुकते हैं कुछ दिन और जो हमने सोचा था कि मथुरा वृंदावन सब जाएंगे और वहां जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे तो हम लोग फैमिली अब वहां जाएंगे और जो आसपास का क्षेत्र है वह सब कुछ एक्सप्लोर करके ही यहां से निकलेंगे और आराम से निकलेंगे न्यू ईयर मना करके ही जाएंगे यहां से यहाँ पर लग रहा है चटनी बनाने की तैयारी चल रही है ना अच्छा सब्जी के लिए ना वो मसाला ओरी की रोटी बन रहा है ओरी का रोटी बन रहा है कुछ ऐसा रोटी बनता है ओरी के लिए इसको फिर मिक्सी में घुमा देते हैं हाँ हाँ पनीर मिला के इसको खिलाते हैं वाह सबसे ज्यादा चलती तो ओरी का ही है अभी तो ये जाते हैं जल्दी से ब्रश करते हैं नहाते हैं और उसके बाद जो है आज निकलना हमें चांदनी चौक तो चांदनी चौक क्यों जा रहे हैं कुछ ही देर में आप लोगों को मालूम चलेगा और फिलहाल क्रियांश और गतिक में चल रहा है जमकर युद्ध और इस युद्ध का जो है मकसद है इस बलून को पाना के लिए। क्या देखो यहाँ पे चले WWE अंडरटेकर अच्छा अंडरटेकर और द ग्रेट खली वाह ओए होए क्रियांश की पकड़ थोड़ी ढीली है कुछ ही देर में बलून उसके हाथ से जाएगा और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ उसके हाथ से बलून जा चुका है बिल्कुल कमेंट्री हो सकता है दोनों में चलता रहता है और क्रियांश जो है हंसता रहता है हंसी हंसी दे देता है जरा लड़ता भी देख रहा अभी हंस रहा है वही क्रियांश इसको देखिए इसको जैसे इसको दिला देंगे ये जैसे इसको मिल जाएगा अब आएगा वो गते नहीं लेगा ये लेगा ही नहीं अब क्रियांश लेगा ही नहीं वाह गुस्सा हो गया क्रियांश नहीं ले रहा है क्रियांश को मेरे घर में कब सुबह होता है कब शाम ये पता नहीं लग रहा है हम लोग कब खाते हैं वो टाइम का भी कोई अंदाजा नहीं है हम लोग को कुछ पता नहीं है कब सोने का टाइम है कब जगने का समय है लिया ही नहीं उसे अब उसको सोना है नींद आ रहा है।